हेलो दोस्तों, टेक्निकल एके में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। ये सिलेबस के अनुसार हम देखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी मशीन के घिसे हुए वाल्व की मरम्मत के लिए निम्नलिखित यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाल्व रिपेयर। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन पर काम करते समय निम्नलिखित में से किसका पहना जाना सुरक्षित है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, कवरिंग शीट। अगला क्वेश्चन, मशीन आदि के किसी भी अवयव की क्षति आयु को सुधारा जा सकता है। इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। अगला क्वेश्चन, मशीन अनुरक्षक नियमावली में मशीनों को स्नेह करने की निरंतरता के संबंध में वर्ग चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मासिक स्नेह करना। अगला क्वेश्चन, मशीनों में अचानक आई खराबी को दूर करने को क्या कहते हैं। आपका सही आंसर का ऑप्शन सी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन, मशीनों के दैनंदिन रख रखाव को कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाने वाली मेंटेनेंस को क्या कहते हैं। आपका सही आंसर का ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की सबसे मुख्य हानि है। आपका सही आंसर का ऑप्शन सी, आर्थिक नुकसान। अगला क्वेश्चन, निवारण अनुरक्षक कहलाता है नियमित अनुरक्षक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मशीन पार्टों की असेंबली करते समय किस विधि को अपनाना चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है वह सबसे अंत में असेंबल होता है। मतलब जो पहले पार्ट खोला गया हो वो सबसे अंत में असेंबल होगा, मुझे फिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशीन के निवारक उपाय में क्या होता है। आपका सही आंसर का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब ए, मशीन और उपकरण का आवधिक निरीक्षण। बी, उत्पादन अनुदेशों के अनुसार स्नेहन। सी, मशीन के सर्विसिंग और पूरी मरम्मत। अगला क्वेश्चन, किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को कहा जाता है। आपका सही है ऑप्शन डी, एब्सोलेरोस मूल्य। अगला क्वेश्चन, एबीसी आकलन में ये टाइप इन्वेंटरी दर्शाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, अधिक मूल्य कम मात्रा। अगला क्वेश्चन, रूटिंग मतलब मार्क चार्ट निम्न में से किस उपयोग में आवश्यक है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, समुच्चय उद्योग। अगला क्वेश्चन, चार्ट मतलब किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्पादन कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन, एबीसी विश्लेषण में भाग लेता है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, इन्वेंटरी व्यय को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंट्रोल चार्ट वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर चार्ट। अगला क्वेश्चन, गुणवत्ता नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले
पीवा वाला चाट है। आपका सही ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए चाट बी चाट सी चाट। अगला क्वेश्चन, ब्रेड निम्नलिखित समय का अनुपात है। ऑप्शन सी 3 समय का अनुपात। अगला क्वेश्चन, लचीलापन तथा छोटे चक्र समयों मतलब शॉर्ट साइकिल टाइम्स के लक्षण वर्णन के लिए सामान्य रूप से उपयोगी पद है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ति। अगला क्वेश्चन, कार्य अध्ययन में प्रयुक्त आधारभूत औजार है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टॉप वॉच। अगला क्वेश्चन, पीपीईएस का अर्थ है। ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, मशीनों को ओवरहॉलिंग करते समय जब पार्टों को खोला जाता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी खोले गए पार्टों का असेंबल करते समय कठिनाई ना आए इसके लिए पार्टों पर पहचान चित्र लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी समय में मांग की मात्रा के उत्पादन की नीति में शामिल होती है। पीछा करने की नीति ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मटेरियल हैंडलिंग साधन का उपयोग फिक्स्ड रूट तथा फिक्स्ड एरिया में मटेरियल के मूवमेंट के लिए किया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए क्रेन। अगला क्वेश्चन, सामग्री परिवहन के लिए वाहकों का उपयोग तब किया जाता है जब व्याप्त अवस्थाओं में सम्मिलित हो। आपका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ए समान भार, बी सामग्रियां तुलनात्मक रूप से निरंतर चलती रहे, सी मार्ग परिवर्तन वर्तित ना हो। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मशीनों के स्टैटिक टेस्ट में क्या होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मशीनों को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मशीनों के डायनामिक टेस्ट में की जाती है। ऑप्शन ए मशीन को चलाकर उसकी शुद्धता चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी टूल के जीवन काल को समाप्त कहा जाता है। आपके आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए खराब सरफेस फिनिशिंग प्राप्त किया जाता हो, बी पावर में अचानक वृद्धि हो, सी डायमेंशनल अस्थिरता के साथ ही घर्षण के कारण फ्लेमिंग और ओवरहीटिंग हो। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी यांत्रिक मशीन के रख रखाव व मरम्मत के लिए उसकी नियमित अच्छी तरह से सफाई व धुलाई करनी होती है, यह किस लिए आवश्यक है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए किसी घिसे टूटे हुए पुर्जों का पता करने के लिए, बी किसी रिसाव का पता करने के लिए, सी हाइड्रोलिक व स्नेहक तेल का अप्रदूषित होना सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम सिलेबस के अनुसार BRO व्हीकल मैकेनिक सिलेबस के अनुसार हम वीडियो डाल रहे हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।